करोड़ों रूपयानी नाणाकीय लेती देतीना विवाद में नाना वराछा विस्तार में रहता बिल्डरना लसकाणा स्थित नवनिर्मित सिद्धि विनायक ग्रीन बिल्डिंग ना फ्लेट में छेल्ला केटलाक दिवस थी गैरकायदे कब्जो जमावनार सौराष्ट्रनी कुख्यात गैंगना चार गैंगस्टर ने सरथाणा पोलीसे चार पिस्टल 13 कार्टीज अने बे चप्पू सहित घातक हथियारों साथ कब्जे कर्या छे। कामरेजना लसकाणा स्थित ब्लॉक नंबर 59 बमा सिद्धि विनायक ग्रीन बिल्डिंग नामे बांधकाम करी रहेला बिल्डर राजू रवजी देसाई अधिक पोलिस कमिश्नर पीएल मल ने रूबरू में रजूआत करी हती। तेमना प्रोजेक्टना डी बिल्डिंगना त्रीजा माळे फ्लेटमां केटलाक लोकोए गैरकायदे कब्जो जमाव्यो छे, जेथी तुरंत ज सरथाणा पोलिस उपरोक्त स्थले धसी गई हती अने फ्लेटमां तपास करता सलीम इब्राहिम ठेबाने कमरना भागे चार कार्टीजनी लोडेड पिस्टल साजिद सुल्तान ठेबा पासेथी चार कार्टीजनी लोडेड पिस्टल हनीफ अल्लारखा दरजादा पासेथी पण चार कार्टीजथी लोडेड पिस्टल अने उमर कासम पटनी पासेथी मेगजीन विनानी पिस्टल अने एक कार्टीज मळी आव्यो हतो। चारे पासेथी मेड इन मुनगेर बनावटनी पिस्टल मळी आवता पोलीस पण चौकी गई हती। पोलीसे चारेयना सरसामानी तलाशी लेता तेमाथी बे चप्पू पण मळी आव्या हता। सरथाणा पोलीसे चारेय विरुद्ध गैरकायदेसर फ्लेटमां घुसणखोरी अने आर्म्स एक्ट हेठळ गुनो नोंधी कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धरी हती। पोलीसे चारेयनी हाथ धरेली पूछपरछमां तेओ सौराष्ट्रनी कुख्यात गैंगना सागरित होवानुं बहार आव्युं छे। सिद्धिविनायक बिल्डिंगना बिल्डर साथेना करोड़ों रूपयानी लेती देतीना विवादमां तेओ सूरत आव्या होवानुं पोलीस तपासमां बहार आव्युं छे, जेमां व्याजे लीधेला रूपया 4 करोड़नी लेती देतीना मुद्दे आ घटना बनी। लसकाणा खाते सिद्धिविनायक बिल्डिंग नामे कंस्ट्रक्शन साइट धरावता बिल्डर राजू रवजी देसाईए विपुल नामना फाइनांसर पासेथी 4 करोड़ व्याजे लीधा हता। राजूए व्याज सहित 4 करोड़नी रकम चूकवी दीधी हती, परंतु विपुले 4 करोड़नी सामे 33 करोड़नी मांग करी हती, जेथी राजूना पग तळेथी जमीन सरकी गई हती अने विपुल साथे विवाद चाली रह्यो छे। उल्लेखनीय छे के राजूए जेनी पासेथी व्याजे पैसा लीधा हता ते विपुल अगाउ बहुचर्चित बिटकॉइन केसमां संडोवायेलो छे। पोलीसे आ घटनामां शैलेश बाबूभाई भट्ट, निकुंज भट्ट, ब्रिजेश वकील, धर्मेश पटेल, अनिरुद्ध माहीपत जाडेजा, अतुल्लाह खान, शब्बीर सुल्तान, हनीफ मुल्ला साथे फरियाद नोंधाई छे अने सलीम ठेबा, साजिद सुल्तान भाई ठेबा, हनीफ अल्लारखा दरजादा, उमरभाई कासमभाई पटणीनी धरपकड करी छे। बिटकॉइनमां संडोवायेला विपुल अने शैलેશની સંડોવણી બિલ્ડર રાજુ દેસાઈ સાથેના નાણાકીય લેતી દેતીના વિવાદમાં કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટના ફ્લેટમાં ઘાતક હથિયારો સાથે ઘૂસણખોરી કરી કબજો જમાવનાર સૌરાષ્ટ્રની કુખ્યાત ગેંગના ચાર ગેંગસ્ટરની ઘટનાને અંજામ આપ્યો। રાજુ દેસાઈએ વ્યાજે પૈસા આપનાર વિપુલ પણ બિટકોઇનમાં જેલની હવા ખાઈ ચૂક્યો છે અને તેણે શૈલેશની સમગ્ર બાબત જણાવી હતી। ત્યારબાદ વિપુલ અને શૈલેશ મળી કુખ્યાત ગેંગને સોપારી આપી હોવાનું બહાર આવ્યું છે। 22 ઓગસ્ટ કે રોજ એક નાગરિક પોલીસ કે પાસ આયા ઓર ઉન્હોને બતાયા કે ઉનકી કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ જો પલસાણા એરિયામાં લસકાણા ગામ કી સીમમાં સિદ્ધિ વિનાયક ગ્રીન નામ કી બિલ્ડિંગ સે ચલ રહી હૈ, વહાં કુછ લોગ હથિયાર કે સાથ આયે હૈ ઓર ઉન્હોને ઉસ સ્કીમ કા કબ્જા લે લિયા હૈ। પોલીસને વહાં જાકે જબ તલાશ કી તો વહાં અસલ મેં 4 વ્યક્તિ મિલે, ઉનકે પાસ સે 4 દેશી બનાવટ કે હથિયાર और 2 છુરે મિલે। ઉન સભી કો પકડા ગયા ઓર આર્મ્સ એક્ટ કે તહેત સરથાણા પોલીસ સ્ટેશન મેં એક ઓફેન્સ રજિસ્ટર કરાયા ગયા। લેકિન ઇસ કેસ મેં જિસ આદમીને પોલીસ કો ઇન હથિયારધારી વ્યક્તિઓ કે બારે મેં સૂચના દી થી ઉસકી વિશેષ પૂછપરછ આગે જબ કી ગઈ તો ઉન્હોને બતાયા કે ઇન સબ કા આને કા કારણ યે થા કે ઇસને 2015 કે સાલ મેં શૈલેશ ભટ્ટ તથા વિજય ખોખરિયા કે પાસ સે
4 करोड़ रुपए जिसकी इसको कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आवश्यकता थी 1.5% के ब्याज से इसने लिए थे, जिसके बदले में उन्होंने साटाकत फोर्सिबली बलजबरी से शैलेश भट्ट के भाणेजे निकुंज भट्ट के नाम से लिखवा लिया था। उसके सामने जो कंप्लेनेंट है उसने बताया कि ये 6 करोड़ रुपए अभी तक पे बैक कर चुका है, चुका चुका है, लेकिन अभी भी शैलेश भट्ट ने अनिरुद्ध सिंह जो रिबड़ा गोंडल तालुका का रहने वाला है उसकी टोलकी के सभ्यों के सहायता से इसकी साइट पे कब्जा करने का षड्यंत्र किया और वहाँ आदमी भेज के फरवरी 2020 से 4 आदमियों को बैठा दिया। अभी जैसा मैंने बताया 20 तारीख को जो 4 आदमी इसके फ्लैट की स्कीम में घुसे और वहाँ कब्जा किया, उनको पकड़ लिया गया है, उनके विरुद्ध में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया है सरथाना पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद जो विगतें मैंने आपको कही उसके बाद आईपीसी सेक्शन 143, 147, 149, 447, 448, 452, 387, 506(2) और आईपीसी 120B के तहत, उसके साथ साथ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत और गुजरात मनी लेंडर्स एक्ट के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया। इसमें जिनके नाम आरोपियों के तौर पर सामने आए हैं वो हैं शैलेश बाबू भाई भट्ट, रेसिडेंट ऑफ वेसु सूरत, दूसरा निकुंज भट्ट, तीसरा विजय शांतिलाल खोखरिया जो व्रज सेक्टर 1 सिमाड़ा सूरत का रहने वाला है, चौथा वकील धर्मेश पटेल, पांचवा अनिरुद्ध सिंह महिपत सिंह जाडेजा रहवासी रिबड़ा तालुका गोंडल राजकोट, छठा अताउल्ला खान, सातवां शब्बीर जिसका कंप्लीट एड्रेस अभी तक नहीं है, आठवां सलीम इब्राहिम भाई ठेवा, ये जूनागढ़ का है, जूनागढ़ के ही और 3 आदमी हैं साजिद सुल्तान भाई, हनीफ अल्लाह रखा दरजादा और उमर भाई कसम भाई पटनी। इनके अलावा इनके ग्रुप के बाकी और लोग जिन्होंने ये अपराध अंजाम देने में इनकी मदद की, वो जो इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आएंगे इन सभी के विरुद्ध में ऑफेंस सरथाना पुलिस स्टेशन रजिस्टर किया गया है, क्योंकि अपराध का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, महत्वपूर्ण अपराध है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। सर क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो आरोपी गिरफ्तार में इनका कोई अब तक सामने आया? इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में अभी तलाश चल रही है, जो भी सामने आएगा उसको ध्यान में रखा जाएगा। सर क्योंकि आरोपी बिटकॉइन वाले केस में भी इन्वॉल्व रह चुके हैं तो किस पूरे मामले को उस नजरिए से भी तफ्तीश की जाएगी कि इसमें बिटकॉइन या इस तरह का? मैंने आपको बताया कि जिन धाराओं के तहत अलग अलग एक्ट्स में ये गुना रजिस्टर किया गया है, उसके अलावा भी यदि और भी कोई चीज़ हमारे ध्यान पे आएगी इन्वेस्टिगेशन में, जो भी चीज़ फलित होगी उसके आधार पर आगे भी एक्शन लिया जाएगा।